देखो, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूँ, वैसे तीन पार्ट है इसके। इसी से क्लियर हो जाएगा कि डिटरमिनेंट की हेल्प से हम किस तरीके से एरिया फाइंड आउट करते हैं ट्रायंगल का। ठीक है, ये किसी ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस दे रखे हैं हमें। ठीक, इसे आप एक्स वन बाई वन मान लो, इसे एक्स टू बाई टू मान लो, इसे एक्स थ्री बाई थ्री मान लो। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ए बी सी पॉइंट मान लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ऐसे इन तीनों पॉइंटों से ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए बी सी। ठीक है, अब इसका मैं एरिया निकालना, तो मैंने बताया था फॉर्मूला वन अपॉइंट टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो हम कैसे निकालेंगे एरिया, वो देखिए वन अपॉन टू। ठीक, अब क्या करो, यहाँ पर एक्स वन की वैल्यू माइनस टू, या एक्स टू की वैल्यू थ्री, या एक्स थ्री की वैल्यू माइनस वन, वाई वन की वैल्यू माइनस थ्री, वाई टू की वैल्यू टू, वाई थ्री की वैल्यू माइनस एट, वन वन वन। ठीक है, ये मैंने करा। अब क्या करना है, ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करना है, कैसे भी सॉल्व करो। तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि सॉल्व करने का अच्छा तरीका ये भी है कि आप प्रॉपर्टी लगाकर उसकी दो एलिमेंटों को जीरो कर लो। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। अगर प्रॉपर्टी नहीं लगाना चाहते, डायरेक्ट एक्सपेंड करना चाहते हो, तो एक्सपेंड भी कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं किसी भी एक रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, या तो इसके या फिर इसके या फिर इसके या फिर कॉलम के अलोंग कर दो। मैं तो कह रहा हूँ इस कॉलम के अलोंग कर दो सी थ्री के, क्योंकि वन 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 है हर चीज में। ठीक है, तो मैं इसे अब क्या करूंगा, यहां तो लिखा रहेगा वन अपॉन टू, अब मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग सी थ्री। ठीक है, अब मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, तो देखो क्या होगा, यहां पर सबसे पहले मैं ये लूंगा, ये डायगनल एलिमेंट है, पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और वन है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट लगा रहा हूं। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ो, माइनस एट का इसमें इंटू करा माइनस ट्वेंटी फोर, इसका इसमें इंटू करा माइनस टू, और एक माइनस यहां होता है प्लस टू। ठीक है, अब ये वाला, तो ये नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब नेगेटिव साइन आया, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो प्लस का सिक्सटीन माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसको छोड़ा था और इसको, प्लस थ्री, फिर यहाँ प्लस का साइन आएगा, फिर इस रो को छोड़ो और इस कॉलम को, ठीक है, इसका इसमें माइनस फोर, इसका इसमें माइनस नाइन, एक माइनस पहले से प्लस नाइन, ये हुआ। अब देखो वन अपॉन टू, अब क्या करो, इसे इसमें से माइनस करा माइनस ट्वेंटी टू, इसमें इसको माइनस पंद्रह और ये माइनस माइनस फिफ्टीन, अब यहाँ पर आया प्लस फाइव। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है वन अपॉन टू। अब देखो यहाँ आ रहा है वन अपॉन टू है, अब माइनस का ट्वेंटी टू माइनस का फिफ्टीन कितना हो गया थर्टी सेवन माइनस का, और प्लस का फाइव तो कितना हो जाएगा माइनस का थर्टी टू। ठीक है, अब इन दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे मैं काट दूं तो कितना आ जाएगा सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन आया। मैंने पहले ही बोला था हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, हमें नेगेटिव पॉजिटिव से कोई देना देना नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिक्सटीन यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये इस ट्रायंगल का एरिया है। देखो क्वेश्चन नंबर टू में हमें बोला सो दैट कि ये जो तीन पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के, मतलब ये तीन वर्टिसेस हैं। ठीक है, हमसे बोला प्रूव करो कि ये कोलिनियर है। हमें शो करना है कि ये जो तीन पॉइंट दे रखे हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, बताइए क्या ये कोलिनियर हैं या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज करो जो मैंने अभी बताया डिटरमिनेंट वाला। अगर एरिया जीरो आ जाता है तो
तो ये कॉलिनियर है, अगर एरिया जीरो नहीं आता तो कॉलिनियर नहीं है, ठीक है। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकालूंगा, 1/2 डिटरमिनेंट। मेरे को पता है यहाँ एक्स वन या एक्स टू या एक्स थ्री आता है, तो एक्स एक्स एक्स, तो यहाँ आ गया ए बी सी, ठीक है। एक्स वन या एक्स टू या एक्स थ्री, ये वाई वन वाई टू वाई थ्री, तो यहाँ आ गया बी प्लस सी, सी प्लस ए या ए प्लस डी, आइए वन वन वन, ठीक है। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसको भी वैसे ही कर दो, 1/2 अलॉन्ग सी वन एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग सी थ्री, ठीक है। सी थ्री के अलॉन्ग इसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर ये वन, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप सभी को पता है ये वाला एलिमेंट लिया है मैंने, तो वन को मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये वाली रो हटाओ, ये वाला कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका इसमें, तो क्या हो जाए ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस इसका इसमें करो सी स्क्वायर माइनस ए सी ब्रैकेट, फिर यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा माइनस साइन, बी वाला एलिमेंट ले रहे, बी ए रो छोड़ो, ये कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ए का ए में करा ए स्क्वायर, इसमें करा ए बी, फिर माइनस साइन, फिर इसका इसमें इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा बी सी माइनस इसका इसमें, हाँ बी सी माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस साइन, फिर इस रो को छोड़ें इस कॉलम को, इसका इसमें ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस इसका इसमें बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है। ये आ गया, अब देखो ब्रैकेट के अंदर ही 1/2, यहाँ तो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये माइनस साइन अंदर, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, अब यहाँ पर ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, अब देखो कौन किससे कट रहा है, इस बी स्क्वायर से वो बी स्क्वायर गया, ठीक है, इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ठीक, ए बी से ये वाला ए बी गया, सी स्क्वायर से ये वाला सी स्क्वायर गया, माइनस ए सी से प्लस ए सी गया, क्या बचा बी सी, इस बी सी से ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, ये 1/2 ब्रैकेट में जीरो, ब्रैकेट में है जीरो, और 1/2 का जीरो में इंटू करोगे तो क्या आएगा जीरो, तो यहाँ पर जो एरिया आ रहा है ट्रायंगल का वो आ रहा है जीरो यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जीरो आता है तो वो पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ए बी एंड सी आर कॉलिनियर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें एरिया गिवन है 4 यूनिट स्क्वायर, और मैंने आपको बेसिक में पहले ही बताया था कि जब भी एरिया गिवन होता है तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेनी है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ट्रायंगल के, और के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो देखो किस तरीके से करेंगे इसे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 डिटरमिनेंट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है 4, तो मैंने पहले बताया जब एरिया गिवन हो तो दोनों साइन ले लेना प्लस माइनस, ठीक है। चलो अभी रुक जाओ, 1/2 1/2 यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, एक्स वन की वैल्यू, इसे एक्स वन मान लिया, इसे एक्स टू, इसे एक्स थ्री, ये वाई वन वाई टू वाई थ्री, ठीक है।
तो एक्स वन क्या है के फोर और जीरो, वाई वन क्या है जीरो जीरो और टू, ठीक है एम वन वन वन। और इक्वल में मैं रख के चलूंगा, पता है क्या, ये फोर वो भी दोनों साइनों के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर ये वन अपॉन टू है, ये उधर जाएगा तो एट हो जाएगा, ठीक है वन अपॉन टू उधर जा रही। और इसको मैं एक्सपेंड करूँगा अलोंग सी टू के, पता है क्यों, क्योंकि सी टू में दो एलिमेंट जीरो है, ठीक है यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग सी टू, ठीक है। तो क्या होगा, इस एलिमेंट को लूंगा जीरो, इस एलिमेंट को लूंगा जीरो, ये थर्ड एलिमेंट ले रहा हूँ और ये नेगेटिव लिया जाएगा, क्यों, ये डायगनल एलिमेंट, ये नॉन डायगनल, ये नॉन डायगनल, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस का टू ब्रैकेट में इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को वन का के में इंटू के, फोर का वन में इंटू माइनस इक्वल्स टू। अब ये वन अपॉन टू था, ये वन अपॉन टू उधर चला गया तो प्लस माइनस फोर इंटू टू, ठीक है माइनस टू के माइनस माइनस प्लस फोर एट, अब ये आ गया प्लस माइनस एट। अब देखो एक बार यहां से हम पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव। देखो क्वेश्चन नंबर थ्री का आगे का ये पार्ट, यहाँ से माइनस टू के प्लस एट इक्वल टू प्लस माइनस एट। अब देखो माइनस टू के मैंने बोला एक बार यहाँ से पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव, तो मैंने पहला पॉजिटिव साइन ले लिया, ठीक है माइनस टू के प्लस एट इक्वल टू एट, और यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन ले रहा हूँ, दोनों को एक साथ सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब माइनस टू के एट माइनस एट माइनस टू के जीरो, के इक्वल्स टू क्या आ गया जीरो। अब यहाँ पर देखें तो माइनस टू के माइनस एट माइनस एट माइनस टू के माइनस सिक्सटीन, माइनस से माइनस कटा के सिक्सटीन अपॉन टू तो आ गया एक। तो यहाँ पर के की वैल्यू दो आ गई, एक आ गई जीरो और एक आ गई एट, ठीक है नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर फोर, इसका फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है। इसमें बोला है कि दो पॉइंट गिवन है 1, 2, 3, 6, ठीक है। हमसे बोला है कि इन दोनों पॉइंटों को, जैसे एक पॉइंट ये रहा 1, 2 और एक पॉइंट ये रहा 3, 6, बोला अगर इन दोनों पॉइंटों को मैं ज्वाइन कर दूँ, ठीक है एक लाइन सेगमेंट बने, क्या बनना है एक लाइन सेगमेंट बनना है ए बी। तो बताइए क्या ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है कैसे निकालेंगे इधर देखो, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाओ, ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब तुम्हें एक बात बताए कि एक पॉइंट ये रहा एक पॉइंट ये रहा, ठीक है और इक्वेशन निकाली इस लाइन की, तो मैंने बताया था लाइन की इक्वेशन एक्स वाई की फॉर्म में ही निकाली जाती है, तो वो पॉइंट भी इसी के ऊपर लाई करेगा। तो कहने का मतलब है कि तीनों पॉइंट क्या है कॉलिनियर हुए, कॉलिनियर हुए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा जीरो, हम ये मान के चलेंगे, ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू जीरो। अब हम निकालेंगे आसानी से 1/2 डिटरमिनेंट, इसे एक्स वन वाई वन, इसे एक्स टू वाई टू और इसे एक्स थ्री वाई थ्री मान लो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1, 3 और एक्स, यहाँ हो जाएगा 2, 6 और वाई, यहाँ 1, 1, 1 इक्वल में क्या आ जाएंगे जीरो। अब देखो ये 1/2 है, ये उधर जाएगा जीरो में टू खत्म, ठीक है। अब मुझे ये एक्सपेंड करना है, देखो किसके अलॉन्ग कर दूँ, C3 के अलॉन्ग ही कर दूँ, ठीक है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3, ठीक। अब मैं इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये 1 लेंगे
लेकिन पॉजिटिव है तो लिखना नहीं। अब इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को, वाई का इसमें करा तो 3y, फिर इसका इसमें करा -6x, फिर यहाँ पर क्या आएगा -7। ठीक है, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को, इसमें किया y माइनस, इसमें किया 2x, फिर प्लस, ये प्लस का है, 1 को लिखना है। इस कॉलम को, इस रो को, इसका इसमें 6, इसका इसमें 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 1/2 पता है कहाँ चला गया, 3y माइनस 6x, ये माइनस साइन इधर गया, -y प्लस 2x, 6 में से 6 गया 0। ठीक है, अब देखो 2x और 6x माइनस का 4x, 3y और माइनस का 1y प्लस का 2y इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, अब ये वैसे ये इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन हम जानते हैं कि x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, x का जो कोफिशिएंट है। तो अगर मैं इसमें से -2 कॉमन लेकर उधर पहुंचा दूं या -2 से डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x और ये -y इक्वल्स टू 0। पता कैसे, जब मैं इसे -2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 2x और इसे डिवाइड करूंगा तो ये -1y इक्वल्स टू, तो ये हमारी इक्वेशन। देखो ये लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमें बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें 35 गिवन है और ये 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं, और इसमें बोला k की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, एक बार, दूसरी बात हमें यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में ये तीनों पॉइंट गिवन है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कि k की वैल्यू इन 4 ऑप्शनों में किस में लाई करती है, मतलब उस k की वैल्यू ये आएगी या ये आएगी या ये या फिर ये। ठीक है, तो वैसे मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया है, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा बहुत बता देता हूँ। क्या करेंगे यहाँ पर हम, मैंने पहले बोला था एरिया गिवन होगा तो दोनों साइन लेंगे। ठीक है, अब देखो इस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे, x1 x2 x3, 2 5 k, और यहाँ पर -6 4 4, 1 1 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख लेंगे +-35, और यहाँ 1/2 होता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, अब इसे C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लो, आपको भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और ये 2 को उधर पहुँचा दो तो 35 70 हो जाएगा। ठीक है, अब C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूँगा मैं इसे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, इसका इसमें इंटू करो, 5 4 20 4 4। ठीक है, माइनस, अब इसको, इस रो को, इस कॉलम को, तो इसका इसमें 8, इसमें -6 8, अब इसका इसमें करो -6 और एक माइनस पहले से होगा प्लस के 6 आएगा, फिर प्लस, फिर ये वाला, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, इसका इसमें 8 और इसमें माइनस का 30 और प्लस 30 हो जाएगा, 8 और 30 माइनस, और एक माइनस वहाँ, तो +30 इक्वल्स टू +-35 × 2। अब इसको एज इट इज लिखा रहने दो, ये माइनस साइन अंदर गया, -1 -6 और ये प्लस का 38 इक्वल्स टू +-7। ठीक है, अब क्या करना है, 20 में से ये देखो 38 प्लस का 20 प्लस का 58 में से 8 गया तो 50, 6 और 4 -10 गया, +-7, एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो। ठीक है, तो यहाँ 50 -10 के इक्वल्स टू 70, तो -10 के 70 -50 तो -10 के 20 के इक्वल्स टू 20 अपॉन -10, तो के इक्वल्स टू आ गया -2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 50 -10 के इक्वल्स टू -70, 10 के इक्वल्स टू -70 -50, 10 के इक्वल्स टू
माइनस का वन बाई टेन, माइनस से माइनस कटा के इक्वल्स टू वन बाई टेन, जीरो से जीरो कटा के इक्वल्स टू ट्वेल्व। तो देखो k की वैल्यू दो आ रही है, माइनस टू और ट्वेल्व। अब माइनस टू कहाँ है यहाँ पर, ये रहा, ट्वेल्व कहाँ है यहाँ पर, ये रहा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट। तो नोट डाउन कर लो इसे।